हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑगमेंटिन 625 डियो टैबलेट के बारे में, जो कि एक एंटीबायोटिक टैबलेट है। बैक्टीरिया इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए यूज की जाती है और भी कई सारे प्रॉब्लम्स में यूज की जाती है, जो कि आगे बात करेंगे। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, कैसे यूज करना है और क्या इसका साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यह है ऑगमेंटिन 625 ड्यू टैबलेट, जो कि GSK कंपनी की है और इसके प्राइस की बात करें तो 201 रुपए है, जो कि एक स्टीमेट 10 टैबलेट अवेलेबल है। दोस्तों, ये टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो यहाँ हम देखते हैं एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेविनेट, और इधर को देखते हैं एमोक्सिसिलिन 500 mg, क्लेविनेट एसिड 125 mg अवेलेबल है। दोस्तों, ऑगमेंटिन 625 डियो टैबलेट जो कि सबसे बढ़िया एंटीबायोटिक है और काफी अच्छा रिजल्ट देखा गया है। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं इस टैबलेट को। नंबर वन, दोस्तों ये एक एंटीबायोटिक टैबलेट है जो कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए दी जाती है इस टैबलेट को, जिससे कि हम सही हो जाते हैं। नंबर टू, फीवर हो, बुखार हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं इस टैबलेट को एंटीबायोटिक के रूप में। नंबर थ्री, स्पाइनल इन्फेक्शन हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। नंबर फोर, टॉन्सिल्स में प्रॉब्लम हो। नंबर फाइव, गले में दर्द हो, खराश हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं इस टैबलेट को। नंबर सिक्स, एयर इन्फेक्शन हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। कान में कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं इस टैबलेट को। नंबर सेवन, आईज में कोई प्रॉब्लम हो, कान में कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं इस टैबलेट को। नंबर एट, खांसी हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। नंबर नाइन, फेफड़े में कोई इन्फेक्शन हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सांस लेने में दिक्कत वगैरह हो जाता है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। नंबर टेन, यूरिन इन्फेक्शन हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। पेशाब के रास्ते कोई दिक्कत, जलन हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस एंटीबायोटिक के इतने सारे फायदे हैं और इन सभी प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं एंटीबायोटिक के रूप में, और काफी अच्छा रिजल्ट देखा गया इस टैबलेट के। चलिए हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, यूज कैसे करें इस टैबलेट को। तो दोस्तों, इस टैबलेट को खाना खाने के बाद एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम में लेना है। कैसे लें दोस्तों? दिन में 2 बार लेना है, सुबह और शाम को, तो आप इसी तरह यूज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसकी प्रिकॉशन के बारे में, अगर ये टैबलेट आप यूज करें तो ये बातें ध्यान रखें। नंबर वन, इस टैबलेट को ओवरडोज ना लें। नंबर टू, 12 साल से कम एज के यूज ना करें इस टैबलेट को। नंबर थ्री, यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें इस टैबलेट के बारे में। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, इस टैबलेट का कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है, बार दफा यूज करते वक्त ये दिखे जैसे कि एसिडिटी, हेडेक, पेट में दर्द। ठीक दोस्तों, ये थी आज का हमारी वीडियो ऑगमेंटिन 625 डियो टैबलेट के बारे में, जो कि सबसे बढ़िया एंटीबायोटिक है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया गया है। और दोस्तों, इसमें भी और कई फॉर्म अवेलेबल है, जैसे कि ऑगमेंटिन 625 डियो टैबलेट हो गया, ऑगमेंटिन 1 ग्राम डियो टैबलेट, ऑगमेंटिन 325 mg टैबलेट और ऑगमेंटिन ड्राई सिरप भी अवेलेबल है, जो कि चाइल्ड के लिए होती है सिरप। तो ये भी परचेज कर सकते हैं, डॉक्टर अलग अलग कंडीशन को देखकर यूज करवाते हैं, जो कि टैबलेट एडल्ट के लिए, बड़ों के लिए है और सिरप बच्चों के लिए। तो ये भी आपको किसी मेडिकल स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।